खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में बस गया होगा। ये स्टारर केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही। ऐसा सराजामौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार। यह स्टारर केजीएफ 2 रिलीज होते हुए जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक कमाई कर चुकी। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है केजीएफ चैप्टर 3 का। केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी। अब जब यह साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी में क्या होगा और रॉकी भाई क्या बवाल काटने वाले। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है? तो चलिए आज हम जानते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। डायरेक्टर प्रशांत नील ने बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फिल्म की कहानी लिए घूम रहे। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की कहानी और पूरे फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड का सरमौन बनते देख लिया, केजीएफ चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों में जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए देख लिया, तो आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होगा? रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक को जानना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, ये भी देख लिया है कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है कोई न तो जानता है और न कोई सोच सकता। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए जरूरी है कि इसमें दो बातें साफ हो जाएगी, एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर खत्म हो। फ्लैशबैक में गोते लगाए और वो दो सीन याद कीजिए, जब रॉकी ने बचपन में अपनी माँ से वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख दे, और दूसरा वो जब माँ ने रॉकी से वादा किया था, कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जाएगा क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। फिल्म में बार बार दोहराया गया है एक शब्द, आजकल की भाषा में कहे तो रॉकी मामास बॉय, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते, बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है, तब भी जब केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है। सवाल की क्या चाहिए रे तेरे को, रॉकी के आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदल कर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया। रॉकी का लक्ष्य क्या है ये पहचानना है उसे, रॉकी का लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है उसे। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना, उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना, क्योंकि मासूम उम्र में उसे समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखों चौंध दिया जाए। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला याद? अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ते, फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसके केजीएफ चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी, बल्कि पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते, वो आदमी जो रॉकी का किस्सा सुनता है, कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, वही जो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच में अकेले पब में घुस गए, वही किरदार जो केजीएफ 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके बाद जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था कि गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ था। केजीएफ 2 में कुर्सी पर बैठे उस शख्स को याद कीजिए। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते आते केजीएफ 2 पर, वो सीन याद जब सीबीआई अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता, कहता है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है, जिस केजीएफ के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाजत कभी नहीं दी, उसी की तस्वीरें दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है, एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है, उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन में इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल, यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका, 3 साल और 16 दृश्य का मोस्ट वांटेड रॉकी। अब वो वक्त याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ अपने हाथ में ले चुका था,
ओकेजेब में उन साथियों की लाश भी ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। परमान की माँ दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजेब में जमकर खुदाई का काम शुरू होता, तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती। हम 1979, 1980 और 1981 सिर्फ ये साल के आंकड़े देखते। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी केजेब को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना देता है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा दिया, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजेब 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला। रॉकी ने तब एक झटके में कही थी ये बात। अब आते उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती। अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खासम खास कसीम चाचा से बात कर रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी लाओ, मशीनें लाओ। कसीम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही। रॉकी कहता है कि अमेरिका से ले आओ। फिल्म में कायदे से पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। क्या मर गया है रॉकी? अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते। रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर है। यहां हमें दो बातें पता चलती है। पहले कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। भारतीय जहाजों से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना साबित डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, रॉकी की वहां से शुरू होती है। तभी तो वो गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। ऐसा क्या है जो छुपा रही है रमिका से? अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आई। केजीएफ 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई गई। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती। दूसरी बात, CBI के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वह इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी की इन सब के बीच CIO के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है। वो वहाँ कैसे मुजरिम बना ये भी नहीं बताया गया। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे पर एक्सप्रेशन इस दौरान कुछ ऐसे है जैसे वो ऐसा कुछ जानती हो जो उसने किसी को नहीं बताया। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते दिखाया जाता है, जबकि KGF सिटी तो मिसाइल हमलों से जमीन दोस्त है। पर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही है? दुनिया चाहिए तो इनायत खलील को मरना होगा। एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के KGF के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वो अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का CEO बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को ठप करना होगा। तो ये होगी KGF चैप्टर 3 की स्टोरी। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए थी कि आप यह समझ सके कि KGF चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। मसलन, रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 सालों में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैला, दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका सपना जो उसकी माँ से उसने किया था कैसे पूरा हुआ, वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है, रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिससे वो छुपा रही है, क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को बैन कर दिया, जमीन दोस्त, जब KGF सिटी जमीन दोस्त हो चुका था तो फिर रमिका सेन ने फिर वहाँ वायुसेना और थल सेना का हमला करवाया, क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई, समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे, रॉकी अमेरिका जहाज NGO CEI के निशाने पर कैसे आए, और इन सब से KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वो मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, दुनिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।